बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम एक्सरसाइज 1.3 के चार क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है? इफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1 to 10 यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ए इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 या इवन नंबर अप टू 10, 2, 4, 6, 8। फाइंड हमने क्या करना है? ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ये ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो पहला मैं करूँगा यूनियन वाला, इंटरसेक्शन आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। फिर तीसरा मैं करूँगा इंटरसेक्शन वाला, तो यूनियन आप लोगों ने खुद करना है। फिर मैं करूँगा फिफ्थ बार, आप लोगों ने सिक्स बार करना है। तो आपके इसके टोटल 6 पार्ट है, 3 मैं करूँगा, 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। नोट्स आपको दिए हुए वहाँ, उसमें मैंने सॉल्व किए हुए, ठीक है, वहाँ से समझ के कॉपी पे लिखने हैं और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। पहला पार्ट क्या है आपके पास? यू इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट, ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, या ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर या ऑड नंबर अप टू 10, फर्स्ट 5 इवन नंबर बी आपके पास सेट है, बी इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 10, ठीक है। तो फाइंड हम लोगों ने करना है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी, सी कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस सी, डी कम्प्लीमेंट यू माइनस डी, यू कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस यू, पाई कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस पाई, ठीक है। तो क्या मतलब, जिस सेट के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाता है उस सेट को यू में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, क्या ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, किसके ऊपर कम्प्लीमेंट है? ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है यू में से हमने किसको माइनस करना है? ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पे आपको ए यूनियन बी नज़र आ रहे नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी, फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करो, बहुत आसान है। पीछे आप लोग बहुत सारे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन भी फाइंड कर चुके हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब दो सेटों को कंबाइन करके लिखना। ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ए डाल दिया, यूनियन बी की जगह बी, बी क्या है? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, फर्स्ट 5 इवन नंबर या फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। ए आपके पास ऑड नंबर है, बी आपके पास इवन नंबर है 10 तक, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पे सारे ऑड नंबर, यहाँ पे सारे इवन नंबर, जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10, मतलब 1 यहाँ से आया, बी यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, दोनों सेट को कंबाइन करके लिखने को क्या कहते हैं? यूनियन। तो मेरे पास ए यूनियन बी क्या आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो किसके बराबर है? U के बराबर है। अब हम निकालेंगे नाउ A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट, A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट जो किसके बराबर है? U माइनस A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B, U की जगह U डालो, U आपके पास क्या है? 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 माइनस A यूनियन B कितना है? वो भी 1 to 10 है, 1, 3, 4, 5 up to 10 अभी निकाला, ए यूनियन बी कितना आया? 1 to 10, ठीक है। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी का मतलब वो नंबर जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, यू आपके पास ए ये है और ए यूनियन बी ये है, यहाँ से 1 से 10 तक सारे नंबर, यहाँ से भी 1 से 10 तक सारे नंबर, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो U में हो और A यूनियन B में ना हो, तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। तो क्या आया? A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट का होमवर्क क्या है? दूसरा पार्ट A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट,
इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, ठीक है, क्यों, इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी को यू में से माइनस करेंगे, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब ए आपके पास आठ नंबर है, बी आपके पास इवन नंबर है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आएगा, एम टी सेट आ जाएगा, फिर यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो वो कौन से आ जाएगा, यू सारा आ जाएगा, ठीक है, इसमें एम टी नहीं आएगा, यू सारा आ जाएगा, तो ये आपका होमवर्क, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक और पार्ट, ठीक है, एक और पार्ट करता हूँ फिर काफ़ी है, एक और पार्ट आपके पास है, तीसरा पार्ट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब आपको यू भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आप लोगों ने निकालना है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आप उस वक्त निकाल सकते हैं जब मेरे पास ए कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और जब मेरे पास बी कम्प्लीमेंट होगा, ये दो होंगे तो इनका इंटरसेक्शन ले सकूंगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए, क्यों, ए के ऊपर कम्प्लीमेंट है। अब यू क्या है, यू है 1 to 10, 1, 2, 3, 4 up to 10, ठीक है, माइनस ए, ए आपके पास क्या है, आठ नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब ए कम्प्लीमेंट का मतलब है वो नंबर जो यू में हो और ए में ना हो, यहाँ से 1 से 10 तक सारे नंबर है जबकि यहाँ पे सिर्फ आठ नंबर है, तो इवन नंबर वो नंबर है जो यू में हो और ए में नहीं है, तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 और 10, ये मेरे पास आया ए कम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस बी, यू की जगह यू डालो, यू क्या है 1 to 10, 1, 3, 4 up to 10, ठीक है, माइनस बी क्या है, बी आर इवन नंबर, 2, 4, 6, 8 और 10, यू बी कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, यू माइनस बी का मतलब वो नंबर जो यू में हो और बी में ना हो, ऐसे कौन से नंबर है जो यू में है और बी में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 से 10 तक सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर है, तो आठ नंबर वो नंबर है जो यू में है और बी में नहीं है, देखना 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 3 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, 3, 4 यहाँ पे है वहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, तो ये क्या आएगा, बी कम्प्लीमेंट। मुझे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, जबकि क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ चुका है, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ए कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आई है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब उन नंबरों का सेट जो दोनों में मौजूद हो, मतलब यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 8 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 10 यहाँ पे नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे पास क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट मेरे पास कितना जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बाकी जो पार्ट है बहुत आसान है, मैंने कहा था कि मैं पांचवा पार्ट भी करूंगा, लेकिन नहीं करते, आपके पास पांचवा पार्ट है, ये बहुत आसान है, पांचवा पार्ट ये लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, ए आपको दिया हुआ है, पहले बी कम्प्लीमेंट निकालो, यू माइनस बी, वो बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए का बी कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पांचवा पार्ट भी हो जाएगा, बाकी आपका होमवर्क है, बाकी कम्प्लीमेंट सम्प्लीमेंट आपको आते हैं, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 दूसरी वीडियो में भेजता हूँ।